डिटेंशन कैंप, कुछ महीनों पहले तक हमें कुछ भी पता नहीं था कि भाई डिटेंशन कैंप है क्या। मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को पता था डिटेंशन कैंप किसको बोलती है, होता क्या है। लेकिन कुछ ऐसा बवाल हुआ था जिसके बाद हम लोग ये सब चीजों के बारे में नॉलेज हो गई थी। खैर ये कोई पॉलिटिकल रिव्यू चैनल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। लेकिन आज हम लोग जिस वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे, ये वेब सीरीज बेस्ड है ऑस्ट्रेलियन डिटेंशन कैंप में, और ये ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड सीरीज है। सीरीज का नाम है स्ट्रेटलेस, आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। ये एक ऑस्ट्रेलियन टीवी शो है जो कि आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। इस सीरीज में आपको सिर्फ 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड 50 मिनट से लेके 55 मिनट के बीच में ये। खैर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप फ्रीडम सुनते हो तो आपके माइंड में पहली वो क्या बात आती है, वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर बात करेंगे इस सीरीज की, तो इसमें आपको 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि सोफी, आमिर, कैंप और क्लेयर। तो इस सीरीज की कहानी शुरू होती है सोफी वार्नर से, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। वो बाय प्रोफेशन एक फ्लाइट अटेंडी है, वो अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है, लेकिन वो अपनी लाइफ से सिर्फ फ्रीडम और प्यार चाहती है। लेकिन उसकी मॉम हमेशा उसको बोलती है कि तू भी अपनी सिस्टर की तरह शादी कर ले और सेटल हो जाए, लेकिन वो ये सब चीजों से हमेशा दूर भागती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सोफी के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद वो अपनी पहचान से भी दूर भागना चाहती है। लेकिन इसी बीच वो पहुंच जाती है ऑस्ट्रेलियन डिटेंशन कैंप में। अब वो वहां किस तरह से पहुंची, उसके बाद उसके साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। उसके अलावा जो दूसरे मेन कैरेक्टर है वो है आमिर, जो कि अपनी फैमिली के साथ अफगानिस्तान में रहते हैं, लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि उसकी फैमिली और वो अफगानिस्तान में सेफ नहीं, तो इसलिए वो चाहता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेटल हो जाए। लेकिन आपको पता है कि किसी दूसरी कंट्री से किसी और कंट्री में जाकर सेटल होना कोई खाने का काम तो है नहीं। तो अब वो गरीब इंसान अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचता है और कैसे वो उस डिटेंशन कैंप में पहुंच जाता है अपनी फैमिली के साथ, और इस बीच में उसकी फैमिली उसके साथ क्या कुछ होता है, ये तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इतना है कि आप उस कैरेक्टर से काफी इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। और जो तीसरा कैरेक्टर वो है कैम सैनफोर्ड का, जो कि अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वो एक अच्छा फादर है, एक अच्छा हस्बैंड भी है और एक अच्छा पॉजिटिव इंसान भी है। लेकिन जब वो उस डिटेंशन कैंप में एज अ सिक्योरिटी गार्ड लगता है, उसके बाद वो पॉजिटिव इंसान कैसे एक नेगेटिव इंसान बन जाते हैं। इस पर एक चीज समझ में आती है, वो ये है कि आप कितने भी अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे माहौल में जाओ जाओ जहां पर सिर्फ नेगेटिविटी, यानी कि लोग एक दूसरे को मार रहे, गाली गलौज कर रहे, यानी कि वहां पर कोई पॉजिटिव बात करता ही नहीं, तो कहीं ना कहीं उस चीज का प्रभाव आप पर कैसे पड़ता है और आप किस तरह से एक तरह से धीरे धीरे एक नेगेटिव इंसान बन जाते हो। ये चीजें आप सीरीज में देखोगे, पर्टिकुलर इस कैरेक्टर के साथ जब ये सब चीजें होती है तो आपको कहीं ना कहीं सोच में डाल देगी। उसके अलावा जो चौथी कैरेक्टर है वो है क्लेयर, जो कि उस डिटेंशन कैंप की हेड होती है, यानी कि उसने अपनी लाइफ के काफी साल इसी डिपार्टमेंट में दिए, लेकिन वजह से उसके काफी पर्सनल लॉसेस भी हुए और अपनी लाइफ में वो पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर करे क्या। एक तरफ उसका डिपार्टमेंट है जो उसको ये कहने पे मजबूर करता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, यानी कि जब आम पब्लिक बाहर से देखती है कि भाई डिटेंशन कैंप में क्या हो रहा था, ये लोग बताते कि हाँ डिटेंशन कैंप में सब ठीक है, हम लोग जितने भी इमिग्रेंट्स लोग हैं उन लोगों के साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। और ये चीज क्लेयर को अच्छी तरह से पता होती, तो इसलिए वो सही और गलत के बीच में झूलती हुई हमें इस सीरीज में नजर आती है। अब बात करेंगे सीरीज के कॉन्सेप्ट को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑस्ट्रेलियन टीवी शो है, तो ऑस्ट्रेलियन टीवी शो में ऑस्ट्रेलिया के डिटेंशन कैंप के बारे में पूरी सच्चाई बताना अपने आप में काफी ब्रेव अटेम्प्ट है, तो उसके लिए तो हम लोग हैट्स ऑफ करते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच है और कितना झूठ है वो मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकता। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक तरफा देखकर आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत है, सब चीजों को जज हम लोग को नहीं करना चाहिए। शो का जो सिनेमाटोग्राफी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से उन लोग ने डिटेंशन कैंप को क्रिएट किया और जो माहौल हमें इस पूरे सीरीज में देखने को मिला डिटेंशन कैंप में, वो काफी रियलिस्टिक लगता है। उसके अलावा इस शो में जितना भी एक्टर्स है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हो, चाहे वो मेन एक्टर्स हो, चाहे वो सपोर्टिंग एक्टर्स, तो सभी लोगों ने इस रोल को बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही रियलिस्टिक वे में निभाया कि आप लोग उन सारे कैरेक्टर्स को फील कर पाओ। इस शो में आपको बस एक एडल्ट सीन देखने को मिलेगा, वो भी कुछ इतना ज्यादा ओपन है नहीं, मतलब इस तरीके की चीजें तो आजकल कॉमन है, वो तो आप लोग इजीली देख सकते हो। मुझे पर्सनली कुछ ज्यादा बोल्ड लगा नहीं, सब सीन को आप लोग इजीली भगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा शो में एक चीज पर मेकर्स ने बहुत फोकस किया, वो है इसके इमोशनल सीन्स पर। यहाँ पर पर्टिकुलर एंडिंग जो क्लाइमेक्स में जिस तरीके से इमोशनल सीन्स बताया है, वो मतलब आपको पूरी तरह से अंदर से तोड़ देगा। और आप भी चाहोगे, दुआ करोगे कि जितने भी इमिग्रेंट्स लोग हैं जो अलग अलग कंट्रीज के डिटेंशन कैंप में हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी उस कैंप से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो लोग क्रिमिनल नहीं है,
वो लोग बस अपनी कंट्री से प्रताड़ित होके वो चाहते कि किसी और कंट्री में जाके सेटल होके अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जिए। लेकिन क्या होता है कि उनको डिटेंशन कैंप में डाल देते हैं, फिर उसके बाद सालों साल तक उनका नंबर आता नहीं है। लेकिन जब उनका नंबर आता भी तो काफी कुछ ऐसी चीजें होती है उनके साथ कि वो लोग प्रूफ ही नहीं कर पाते कि वो लोग सही है या गलत है, क्योंकि उनके साथ इस तरीके की चीजें होती कि वो लोग कर ही नहीं पाते। तो ये सब चीजें अलग अलग जो देशों की जो सरकार है उनको इस सिस्टम में सुधार लाना चाहिए। मैं तो इतना ही बोलूंगा और मैं तो दुआ करूंगा कि इन जितने भी इमिग्रेंट्स अलग अलग कंट्री में उन सभी को एक अच्छी लाइफ जीने का हक है, और चाहे उसमें बच्चे हो, बूढ़े हो, औरत हो, आदमी हो, सभी का हक है हमारी तरह। बात करेंगे शो की नेगेटिविटी की, तो मुझे पर्सनली शो की जो लेंथ है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। मैं आपको फ्रेंकली बता दूं, इस सीरीज के हर एक शो सिर्फ आधे घंटे के होते तो ज्यादा अच्छे होते, और 6 एपिसोड के बदले अगर आपको 50 मिनट का रखना है तो इस शो में सिर्फ 5 एपिसोड होते तो वो ज्यादा अच्छा होता। तो बस यार इस वीडियो में इतना। अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखे, जबकि आप लोग शायद देख चुके होंगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं देखे हो तो भाई इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। हाँ, आप कल की बात करें तो कल बैक टू बैक मैं कोशिश करूंगा 3 वीडियोस डालने की, जो कि मेरे लिए पॉसिबल है भाई, क्योंकि मुझे इस चैनल के अलावा भी बहुत कुछ काम करना पड़ता है जीने के लिए। वो तो आप लोग को मैं इंशाल्लाह आगे चल के जरूर बताऊंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो, मेहरबानी कर दो मुझ पर, और प्लीज यार इस वीडियो को भी शेयर कर देना। और अगर आपको कुछ भी ऐसा गलत चीज लगी तो आप लोग कर सकते हो कमेंट, और कुछ अच्छी चीज लगी तो उस पर भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा भी आने वाला है कि मैं कुछ हेट्स कमेंट्स को लेकर है ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे कंटेंट की बहुत जरूरत पड़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।